हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। तो मॉर्निंग का टाइम है, आप देख सकते हैं हल्की हल्की धूप आ गई है मेरे गार्डन में और बहुत ही प्यारी सी ब्लूमिंग हो रही है, कहते कि वॉल्सम के प्लांट में यानी कुल मेहंदी में। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सी ब्लूमिंग चल रही है मेरे गार्डन में और हल्की हल्की जाड़े की जो धूप होती है ना, बहुत अच्छी लगती है इस समय अक्टूबर में। तो आज मैं बात कर रही हूँ अक्टूबर में आप कौन सा प्लांट पहले लगा सकते हैं जो विंटर का प्लांट होता है। तो बात करती हूँ क्रिसेंथम की। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से क्रिसेंथम के पॉट मैंने तैयार किए हैं। तो ये सारी कटिंग है जो मैंने इस पॉट में लगा रखी है। तो मेरे पास 7 शेड है और 7 शेड की मैंने इसमें कटिंग लगा रखी है। तो काफ़ी अच्छे से कटिंग तैयार हो चुकी है, बस अब इनको पॉट देना है मुझे। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से हेल्दी प्लांट हो गए हैं। तो मैं क्रिसेंथम ऐसे ही तैयार करती हूँ, हर साल मैं इनको ख़रीद के नहीं लाती हूँ, इनकी कटिंग्स मैं लगाती हूँ क्योंकि मैं मदर प्लांट हमेशा सेव करती हूँ। तो उससे मेरे पैसे भी बच जाते हैं और वैरायटी भी मेरे पास सेम रहती है हमेशा। और इसी तरह से मैं कितने सालों से ये करती आई हूँ। तो ये मैंने सारी कटिंग तैयार कर ली है, आप देख रहे हो कितनी हेल्दी कटिंग तैयार हो चुकी हैं। तो ये 2 शेड और हैं इसके अंदर लगे हुए हैं अलग अलग। तो इस तरह से मैं हमेशा ये कटिंग तैयार करती हूँ, इससे काफ़ी पेड़ बन जाते हैं क्रिसेंथम के। और फिर बाद में जब इन अच्छी सी फ्लावरिंग हो जाती है तो फिर इन्हीं में से मैं कुछ प्लांट सेव करके रख लेती हूँ मदर प्लांट बनाने के लिए। तो हर साल मेरा यही प्रोसेस रहता है, कटिंग को ग्रो करना, मदर प्लांट को सेव करना, उनसे कटिंग लेना, कटिंग को ग्रो करना, फिर से ढेर सारे प्लांट बनाना। तो ये बहुत ही एक सस्ता बनता है प्लांट का, मतलब जब आप गार्डनिंग करते हो तो एक बहुत ही अच्छा सस्ता पड़ जाते हैं आपको प्लांट, और ढेर सारे प्लांट आपको फ्री में पड़ जाते हैं। आपको हर बार इनको परचेज़ नहीं करना पड़ेगा, आपको मालूम भी होंगे आपके पास कौन से शेड हैं। और ये सारे ऐसे प्लांट हैं जो ईजिली सेव भी हो जाते हैं, हमारी क्लाइमेट से मैच भी कर जाते हैं। तो ये अच्छे प्लांट हैं, आप इनको हमेशा सेव कर सकते हैं। ये विंटर के बहुत ही खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो स्टार्टिंग में सबसे पहले फ्लावरिंग करते हैं। इनकी फ्लावरिंग आपको नवंबर दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है, नवंबर से इसमें बढ़ाना शुरू हो जाती है, दिसंबर से ब्लूमिंग करने लगती हैं अच्छे से। बस अब इनको मुझे पॉट देना है। तो मैं इसकी मिट्टी अब तैयार करने जा रही थी तो मैंने कहा चलिए आपसे मैं शेयर कर लेती हूँ। और इसकी मिट्टी में आप कहते कि 100% का एक रेशो बना सकते हैं जिसमें आप पॉटिंग सॉयल ले सकते हैं 50% और 25% इसके अंदर आप कोई भी कंपोस्ट, मैं तो काउ डंग कंपोस्ट यूज़ करती हूँ तो मैं वो लेती हूँ, आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। और 25% आप इसके अंदर सैंड ऐड करिए तो बहुत अच्छा एक रेशो बनता है, इसमें बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो करता है। और जितने अच्छे से प्लांट ग्रो होगा, अच्छे से रूट सिस्टम डेवलप होगा, तो प्लांट की भी हेल्थ अच्छी होगी और ब्लूमिंग भी आपको बहुत अच्छी सी मिलेगी। तो मैंने फ़िलहाल अभी इन सब की इसलिए पिंचिंग कर दी जिससे कि इसके अंदर थोड़ी सी और ब्रांचें बन जाएं क्योंकि ये और अच्छे से हेल्दी हो जाएं, वैसे तो ये हेल्दी है। फर्टिलाइज़र की बात करूं तो इसको बहुत अच्छे से आप मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र दीजिए या कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में DAP ज़रूर डाल के दीजिए, उससे इसकी बहुत अच्छे से हेल्थ होती है, ब्लूमिंग भी काफ़ी अच्छी सी इंक्रीज़ करते हैं ये प्लांट। तो ओवरऑल मैंने ये सब बता दिया है आपको, बहुत अच्छा सा फ्लावरिंग प्लांट है क्रिसेंथम। साइड में आप इसके फ्लावर देख सकते हैं, मेरे ओल्ड वीडियोस में भी मैंने बहुत शेयर किए हैं, इनकी फ्लावरिंग बहुत ही खूबसूरत सी लगती है। अगर आपने अभी कहते कि क्रिसेंथम की कटिंग नहीं तैयार करी है तो अभी भी आप इनकी सैपलिंग मार्केट से ला सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से वॉल्सम के प्लांट खिले हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत सी फ्लावरिंग होती है इस समय अक्टूबर में, वॉल्सम बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करती है। अगर आपने इसको भी नहीं लगाया है तो अभी भी आप लगा सकते हैं, टाइम है, इसकी भी सैपलिंग मिल जाएगी, अगर सीड मिल जाए तो वो भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये भी फरवरी तक खूब चलने वाला प्लांट होता है। तो एक लास्ट का व्यू अपने गार्डन का, बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ रहा है क्योंकि दिवाली प्रिपरेशन चल रही है इस समय मेरे गार्डन में। तो सफाई भी मैंने कर दी है थोड़ी सी, अब बस अब थोड़ी सी कुछ पॉट में पेंटिंग बाकी है तो वो मुझे करना है। तो क्रिसेंथम के आप कटिंग भी देख सकते हैं, काफ़ी हेल्दी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माई